ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने जब इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था कि वाई BS6 इज़ बेटर देन BS4, तो तब मैंने बोला था कि एक ड्रैग रेस तो मैं पक्का लाऊंगा BS4 वैसे BS6। तो हियर वी गो, आज है फाइनली हमारे साथ BS6 अपाची RR310 और BS4। और ये जो बाइक है ये है समीर भाई की, तो थैंक्स टू समीर भाई आज के ब्लॉग में पार्ट लेने के लिए। और चलो देखते हैं, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे को देखना है ये दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी थी। सो चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर दे फटाफट। सो फाइनली ड्रैग रेस स्टार्ट कर दे। वैसे दोनों के वेट में भी डिफरेंस है और इसके भी वेट में डिफरेंस है, तो चलो स्टार्ट कर दे। 3 के काउंट पे साहब, वेट कम होने का अच्छा खासा फायदा हुआ BS6 को। तो ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, मेरे को जरा भी नहीं लगा था कि BS6 इतना इजीली आगे निकल जाएगी। बट हाँ, इसमें एक हो सकता है क्या, मेरा वेट ज़्यादा है और जो समीर का है उसका वेट थोड़ा कम है मेरे से, तो उसको उतना एक फायदा हो सकता है। बट स्टिल BS4 BS6 से फास्ट होनी चाहिए ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि पावर में तो कुछ ये नहीं है। बट स्टिल देखते हैं, एक सेकेंड राउंड करके देखेंगे। फर्स्ट राउंड में तो इजीली BS6 आगे निकल गए पता नहीं कैसे, बट एक नंबर बाइक ने शिफ्ट लिया यार। ये कैसे हो रहा है? अभी वो तो है, इसका आंसर तो अभी मेरे को वो बाइक चला के पता चलेगा कि वो बाइक कैसे आगे निकल रही है। बस वेट का एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। वेट मेरा ज़्यादा है और वो भाई का कम है। ऊपर से मेरे पे कैमरा वगैरह का एक बैग है, तो वो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें मैटर करती है ड्रैग रेस में। सो चलो अभी वो बाइक स्विच करके देखेंगे। बट भाई जो इजीली निकल गया ना, वो लेट था लेट भाई। अभी हम लोग दोनों बाइक चेंज करके देखेंगे। अभी BS4 चलाएंगे समीर भाई और BS6 चलाऊंगा मैं। आई होप
होप सेम रिजल्ट मिले। तो अभी BS4 पर चलाएंगे समीर भाई और मैं चलाऊंगा BS6। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे ये बाइक आगे निकल गई। तो बाइक है ट्रैक मोड पे तो ऑब्वियसली पूरा पावर मिलेगा। सो मेरे पिकअप में बाइक ने पहले एक व्हीली ली, बाद में से टर्न बर्न आउट हो गया और फिर मेरा लॉन्च हुआ। वाह, मतलब इनिशियल पिकअप भाई क्या दी बाइक ने, लिट यार लिट, सुपर बाइक है सुपर। मतलब जो भाई ने दिया ना पिकअप, और ये रेस में हम ऑलमोस्ट सेम थे भाई, एकदम थोड़ा सा पीछे था मेरे से। मतलब पावर में तो भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप लोगों को BS6 ज़्यादा पावरफुल लगेगी क्योंकि मोड्स के वजह से आप लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ेगा। और मेरा जो पहले एक एक्सीडेंटल व्हीली उठी उसके बाद में मेरा बर्नआउट हो गया पीछे और फिर मेरा लॉन्च हुआ। यार क्या सही लॉन्च था। मज़ा आ गई। सो रिज़ल्ट ये निकल के आया कि भाई दोनों भी बाइक सेम है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक भी चलाओगे आप सेम पावर मिलेगा, बस वेट में मैटर करेगा, राइडर के वेट पे डिपेंड करेगा सब। बट भाई साहब बहुत सही थी, मज़ा आई ना। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा ब्लॉग था। बाकी बाइक दोनों की एक नंबर है। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। दैट्स इट, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।